हमारे साथ स्कैम हो चुका है गंदा वाला। हम लोग मेस में गए और मेस बंद हो चुकी है क्योंकि 9 बज चुके हैं और 7 बजे से 9 बजे तक का टाइमिंग रहता है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारा फाइनल डे है। सो बेसिकली आज तीसरा दिन है हमारे लिए देहरादून में आए हुए। सो बेसिकली आज जो है वो हमारा मेन इवेंट है जो कि इंटर कैंपस कॉम्पिटिशन है, और हमारा ग्रुप सिंगिंग जो है वो आज है। और आपको मतलब बताऊँ तो हमारा 7वें नंबर पे बेसिकली जो है ग्रुप सिंगिंग है। तो आप देखते हैं, अभी बज रहे हैं 9। और अभी क्या हुआ, हम लोग मैच गए थे और हमें टाइम भी नहीं पता था कि क्या है टाइम, क्या हो रहा है टाइम। और हम लोग गए तो ब्रेक मतलब मैच बंद हो चुकी थी क्योंकि 9 बजे तक का टाइमिंग होता है मैच का। तो अब जो है हमें ब्रेकफास्ट जो है वो बाहर करना पड़ेगा। और अभी जो है सब लौटने तैयार हो रहे हैं। मैं तैयार हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका हूँ। बाकी कपड़े वगैरह रखने हैं, कुर्ता रखना है। भाई हम सब लोग रेडी है और फाइनली जो है हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं सारे लोग। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है जितने सारे रखे हुए हैं, और अभी फटाफट से चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं चल के बाहर। सबसे भारी इंस्ट्रूमेंट तब ढोलक, और सबसे भारी इंसान ले जा रहे हैं। नहीं पकड़ लेंगे, साथ में पकड़ लेंगे। गाइस अभी सबसे पहले जाकर ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि मैच बंद हो चुकी थी। तो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। लोग आ चुके हैं कैंपस। अभी जो है हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और अभी जो है हमारी रिहर्सल जो है हो चुकी और काफ़ी अच्छा मतलब हुआ है, काफ़ी सही आया मतलब लोगों का गाना, कोऑर्डिनेशन सही बैठा। और बाकी अभी जो है इनके साथ अच्छा नहीं आएगा, थैंक यू कट जाएगा। तो सीन ये मतलब काफ़ी अच्छा इन लोगों ने करा, बाकी म्यूज़िक भी सही आ रहा था, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड भी बढ़िया आ रहा था। तो अभी जो है हम लोग खाना खाने आ रहे हैं और तेल भराने के लिए बाइक तभी तो नहीं देता हूँ, घर में छोड़ने को घूम रहा हूँ। तो क्या हुआ सीन कि अभी जो है हम लोगों को हम 1:30 बज रहे हैं और अभी 3 बजे शायद से हमें वापस से आना है और ड्रेसेस पहन के आना है। हमारा पीछे से तबला वादक भी आ रहा है, और अभी जो मतलब जो हमारा मेन परफॉर्मेंस जो है वो आज ही है, और 3 बजे से कभी 3 बजे के बाद कभी भी हो सकता है, मतलब ये सीन है। तो देखते हैं, और बाकी वीडियो अगर रिकॉर्ड कर पाया तो कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा किसी ना किसी से लेकर। बाकी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में मैच में। सारे लोग तैयार हो रहे हैं अभी। वो स्किन टोन के हिसाब से होता है। मेरी स्किन का गला काला, मुंह सफेद लग जाएगा। अरे यार वीडियो बन नहीं थी। वीडियो बन बेइज्जती का बात है यार भाई, इसमें क्या गला लगेगा? हां गाइस यहां पर सनस्क्रीन की लड़ाई चल रही है, भाई को सनस्क्रीन दे दो। परेशान हो गए भाई, क्या हो गया भाई? तो
ये देख भाई, ये टिंटेड सनस्क्रीन है देख। अरे मैच भी कर रही है, देख इसके कपड़े। हाँ ले, रिफिल भी था नहीं बस। अरे चलो तो गाइस इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखना अभी। पूरी रशियन में चमक गया लौटा, पूरी रशियन में जाएगा, रशियन माल आ गई। नाइजीरियन के दांत काले हो गए भाई। देख फर्स्ट ईयर का सालो रेसिस्ट, सालो रेसिस्ट हो गए। ये कह रहा हूं भाई, सालो फर्स्ट ईयर का देख। ये लुक्स तो है भाई, ये स्मार्ट तो लग रहा है। हां ए डिफेंस देख ले साहब। अरे वैसलीन भी डालना है इसके ऊपर। 5 बार लगा दे, कितने लग गए। पर कर दो यार, वेला वीटा भी मिल जाता तो एक अलग सी वाइब आ जाती। सर आप वीडियो में आओ, वेला वीटा भी मिल जाता अलग। कड़े कड़े गिर रहे हैं लोग। तो गाइस अभी बज रहे हैं 3:30 और अभी जो है हम लोग कॉलेज कैंपस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए फ़ोन आ चुके हैं कि आप लोग आ जाइए करके। कभी भी परफॉर्मेंस जो हो सकती है और चेकिंग वगैरह हो रही है, तो पहले से आ जाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अभी जो है हम लोगों ने मतलब तैयार तो नहीं हुए, बेसिकली सीन जो है हम लोगों ने कुर्ता वगैरह जो है वो अभी जो है बैग में रख लिया है। तो अभी फटाफट से जाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, नॉन जो है निकल चुके हैं, तो फटाफट से चलते हैं। चलो मिलते हैं आपसे। देखो स्ट्रिक्टनेस देख रहे हो गाइस, सारे गार्ड्स खड़े हुए हैं और अभी एंट्री यहाँ से बंद कर रखी है, मेन इधर से मेन गेट से। तो अभी जो हम लोग आगे वाले गेट से आ रहे हैं। पांडो के एफर्ट्स देखो आप, दिखा दो। देखो छाले निकले हुए हैं और ये अभी निकले हैं, अभी निकले हैं। और जिस दिन मतलब जिस दिन परफॉर्म करने जा रहे हैं हम, उस दिन निकले हैं। मतलब ये 2-3 दिन से नहीं निकले होते, आज निकले हैं। यहाँ पर हमारे डांसर्स और साथ में सिंगर्स आ चुके हैं तैयार होके। नहीं हुए ये है कसक। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो रैंडम तो पोज भाई, यार अच्छा नहीं आ रहा है। डिसिप्लिन देखो आप, सब एक सारे से खड़े हुए हैं, सबका हेयर स्टाइल सेम, सबका हेयर स्टाइल मतलब सारे मतलब गंजे हो रखे हैं। ये देखो गाइस पूरा सर्कल बना रखा है और पूरा उधर तक घूम के देखोगे ना आप, पूरा चारों तरफ आपको यही लोग देखेंगे। जो इवेंट है वो स्टार्ट हो चुका है, तो हम लोग जो अभी जरा पानी पीने जा रहे हैं और इवेंट जो पूरा स्टार्ट हो चुका है आप देख लो। हमें ना कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी गाइस, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सीन ये है ना हम लोग को बैक स्टेज पे रहना पड़ रहा है और फिर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अंदर जो भी हो रहा है सब आपको दिखा रहा हूँ मैं, बाकी परफॉर्मेंस जो आज की है वो नहीं दिखा पाऊंगा। कल जो परफॉर्मेंसेज होंगी वो शायद मैं ट्राई करूंगा कैप्चर करने के लिए। बाकी हम कल और रुक रहे हैं और परसों हम लोग वापस निकलेंगे भीमताल के लिए, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार गाइस, फटाफट से गाइस कर दो। मेरे ढोलना
कसम मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सुन मेरी चाहते तो फिजा में कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं, जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। समान फेफड़े हवा सूखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सूखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आपने छोड़कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार बीमार बनाने के लिए काफी है। क्या फर्क है बे
जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो।